और यदि मैंने जाने से जाने में अनजाने में आपके प्रति किसी भी प्रकार के दुर्भाव रखे हो या आपको मेरे व्यवहार से कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं तो सर ने वापस कहा उसको सर ने कहा कि नहीं तुम हमारे स्टूडेंट हो और मुझे पक्का यकीन है तुमने जाने या अनजाने किसी भी तरीके से मेरे प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं रखा इसलिए मेरे से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं माफी उन लोगों से मांगी जानी चाहिए जिन लोगों के प्रति हमने कोई ना कोई गलती की तो तुम उनसे जाके माफी मांगो तो स्टूडेंट का वापस जवाब था कि नहीं सर ऐसे मैंने किसी से गलती नहीं की तो सर ने वापस कहा कि जैनों का एक सिद्धांत और है जैनिज्म का एक बहुत अच्छा सिद्धांत है स्यादवाद क्या सिद्धांत है स्यादवाद क्या नाम है बताओ देखिए तो स्यादवाद सिंपल सी एक थ्योरी है स्यादवाद कहता है कि इस दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं इस दुनिया में प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण हैं तो लाइन है क्या क्या लाइन है बताओ देखे इस दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं प्रत्येक वस्तु में अनेक कोई भी व्यक्ति ना तो दुनिया की सारी वस्तुओं को जान सकता है ना एक वस्तु के सारे गुणों को जान सकता है इस दुनिया में अनेक वस्तुएं हैं तथा प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण है कोई भी व्यक्ति इस दुनिया की सारी वस्तुओं को जान नहीं सकता न उसके एक वस्तु के सारे गुणों को जान सकता है इसलिए किसी भी व्यक्ति का ज्ञान पूरा नहीं होता किसी व्यक्ति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति का ज्ञान अपूर्ण होता है अधूरा होता है सापेक्ष होता है रिलेटिव जैसे माहौल के अंदर रहता है उसके अनुसार उसका वो ज्ञान है हो सकता है माहौल चेंज हो तो उसका ज्ञान भी क्या हो जाए चेंज इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपनी बात को लेकर जिद नहीं करनी चाहिए ये ये जो प्रॉब्लम है कि मैं सही हूं मैंने जो कह दिया वो एकदम सही है लफड़ा यही है दुनिया की सारी बुराइयों की जड़ यही है हर कोई वाद है वो बोले जातिवाद है बोले छत्रवाद है वो बोले आतंकवाद है वो यही तो कहता है कि हमारे वाला सही है और बाकी सारे गलत है जिस दिन बंदा कोई सादवाद को अपने जीवन में उतार ले और ये देख लेकिन ना कोई भी ज्ञान कभी भी पूरा नहीं हो सकता हो सकता है जिस एंगल से मैं देखता हूं उस एंगल से वो चीज सही है किसी दूसरे एंगल से कोई आदमी देखता है तो वो चीज क्या हो जाए गलत इसे जैन एक उदाहरण देते हैं एक बार सात लोग थे जो जन्म से अंधे थे जन्म से जिनको दिखाई देता नहीं था उनको एक हाथी के पास लेके गए किसके पास लेके गए और उन्होंने कभी भी हाथी को देखा देख तो सकते ही नहीं थे कभी हाथी को स्पर्श करके भी उन्होंने देखा नहीं था हाथी के पास लेके गए उनको कहा कि बताओ क्या है तो जिस बंदे ने हाथी की टांगे पकड़ी उसने पिलर को छू रखा था कभी तो उसने कहा रह, मुझे लगता है पिलर है तो मंदिर वंदिर के जो पिलर होते हैं अपने मकान के पिलर होते हैं ऐसा पिलर है कोई जिस बंदे ने उसके कानों के हाथ लगाया उसको लगाया अरे गेहूं साफ करने वाला छाजला है मोटा सा दिखा उसे छाछड़ा को गेहूं साफ करने वाला जिस बंदे ने उसकी पूंछ पकड़ी उसने कहा रस्सा है मोटा कुएं तो से पानी निकालने का रस्सा है जिस बंदे ने उसकी पीठ के हाथ लगाया उस बंदे ने कहा ये कोई बेड है सोने वोने की कोई जगह हो सकती है ये लोग सात ऐसे लोग जिनको वो ज्ञान नहीं था उन सात ने सात अलग अलग बातें की बस यही हम सबके साथ हम अंधे हैं खूब सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं है खूब सारे ऐसे गुण हैं जो एक ही वस्तु के पर हम उनके बारे में हम जानते नहीं तो सर उसको उस दिन यही समझा रहे थे कि ये जो सिद्धांत है तूने कहा कि नहीं सर ऐसे तो मैंने किसी के खिलाफ गलतियां नहीं की ये जनिजम के उल्टा है जनिजम कहता है कि कोई भी चीज परफेक्ट तो हो ही नहीं सकती तो तू ये बात तो कई मत कि मैंने किसी के खिलाफ गलती की नहीं तू ये कहे की हाँ सर हो सकता है मैंने कईयों के खिलाफ गलती की हो मैं उनके बारे में सोचूंगा और उनसे भी क्या मांग लूंगा माफी उनसे माफी मांगोगे तब तो मिछाई दुकड़म है वरना आपने मेरे खिलाफ गलती की नहीं मेरे कहा सर सॉरी किस बात की सर आज सॉरी का दिन है तो सबको जीते मिले सॉरी 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 नहीं आप जब तक एवेल्यूएशन नहीं करेंगे जब के, जब के, तक खुद के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक इन चीजों के बारे में पता भी नहीं लगा पाएंगे और ये चोरी दोनों ये समा मांगने वाली और सियादवाद हर किसी व्यक्ति के जीवन में उतरनी चाहिए आप भी कभी निकाला करो टाइम आधा पौना घंटा ही निकाला करो सोचा कीजिए कि कहां अपने कहां कमियां रह रही है और सॉरी बोलने में कोई छोटा नहीं हो दिमाग का हल्का होता है दिल का हल्का होता है हो जाती है इसलिए मैं बैठा तो इस था ये आगे क्यों बैठ गया सर मैंने कॉपी रख दी थी यहां पे इसने मेरी कॉपियां फेंक दी मैं चाय पीने गया था इतने में आके बैठ गया कोई बात नहीं आपने छोटा मोटा सका एक तो ये हो सकता है कोई बंदा आगे बैठ गया आपने कहा यार मेरी सीट थी उसने कहा नहीं मैं बैठूंगा दूसरी सीट पर बैठ जाओ बात खत्म इतने में खत्म हो जाता है वरना आप थोड़ा सा तू तुम्हें करेंगे और जो था किसी के साथ हाथापाई हो जाए वो पंद्रह मिनट की घटना अगले पंद्रह दिन पढ़ने नहीं देगी बस तो ये ये बात खत्म है वो दिमाग में चलता है और पढ़ाई के लिए दिमाग का खाली होना बेहद जरूरी है आपके दिमाग में कुछ भी दूसरी चीज है तो कई बार होता ना है ना स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं बैठा तो रहता हूं लेकिन दिमाग में जाता ही नहीं मैं कई बार कहता हूँ भाई सिटिंग नहीं है तुम लोग एक घंटे में खड़े हो जाते हो खड़े हो जाते आठ घंटे बैठा रहता हूँ लाइब्रेरी में पर लास्ट में देता हूँ कि पन्ने तो चार ही नहीं पड़े याद तो मेरी हुआ ही नहीं था तो बैठने से क्या हो खोपड़े में भी तो जाए वो भरा हुआ था उसमें दूसरी चीजें चल रही थी अपने कोई घर परिवार की बातें चल रही थी कोई लड़ाई झगड़े की बातें चल रही थी कोई पॉलिटिक्स चल रही थी कोई यूनिवर्सिटी वाले चुनाव चल रहे थे उसके अंदर तो फिर पढ़ाई कैसे होगी उसके लिए चीजें तो राखी जाए। इसलिए कहते हैं कि जितना कम मोबाइल का प्रयोग करोगे उतना पढ़ोगे। जितना आप, ये, मो, ये ना आपके आदमी उस तरह तरह। तरह है, उस उस जानते हो? बस ये उस तरह है। इसलिए यह है कि मोबाइल में सोशल मीडिया है। ये तो कम से कम दिन में तो कभी नहीं चलाया जाए कि दिन में ये फेसबुक व्हाट्सएप आपका इंस्टाग्राम आपके कोई टेलीग्राम आपके कोई ट्विटर ये दिन में ना चलाए जाए ये करने है तो रात को कर लिए जाए रात को चलाए बाद में सो गए तो उड़ उड़ आ गया सुबह वापस नए सिरे से वरना तो सुबह सुबह मान लो उठ के आपने फेसबुक देख ली फिर इसका एल्गोरिथम है कि आप फेसबुक का सीधा सीधा सिस्टम है आप चुनाव की बात देख लो चार लगातार पोस्ट देख लो उसके बाद अगले चार दिन चुनाव ही आएगा फेसबुक पर आपके सामने दूसरी कोई फीड आएगी नहीं न्यूज फीड में सारे सारे चुनाव आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव देखा तो अब आपको उदयपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव दिखाएगा अब आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी का चुनाव दिखाएगा भले ही वो आपका फ्रेंड है नहीं है पर आपके पास वो पोस्ट आएगी आप एक दिन कोई गूगल पे जाके एडिडास के सूज देख लो जो अगले चार दिन तक आपके पास सूज आएंगे हो सकता है सूज वाली कंपनी फोन कर ले आपको भाई साहब कल सूज ट्राई कर रहे थे हम थोड़े आपको सस्ते भेज देंगे नंबर भी बता दो कौन सा है वो भेज देंगे घर ही आ जाएंगे आपके तो आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एआई है एल्गोरिथम पकड़ रखा उन्होंने आपका उसके हिसाब से कर लेते हैं इसलिए ये रात को करकुर आगे बाद देखा कोई देख के सोशल मीडिया ये नहीं कि आप पूरी तरह से हट जाओ देख लिया करो उनको भी देख लिया करो दिन में नहीं इसलिए मैंने कभी पहले आपको मना किया होगा कि सुबह सुबह अखबार नहीं पढ़ना अखबार जो स्टूडेंट सुबह सुबह अखबार पढ़ता है वो बर्बाद है वो पढ़ तो नहीं पाएगा और कुछ भी कर लेगा इसके अलावा क्योंकि अखबार के अंदर सारी न्यूज पॉलिटिकल टाइप की होती है आप जो अखबार में पढ़ते हो दिमाग के अंदर चलता है कोशिश किया करेंगे अखबार भी रात को पढ़ा जाए कोशिश यह हो कि नौ साढ़े नौ बजे तक जो पढ़ने वाला सिस्टम है जो याद करने वाला सिस्टम वो खत्म हो जाए कि भाई यहां आपकी सात बजे से एक बजे तक क्लास हुई आप घर गए घर जाने के बाद मान लो आप तीन बजे भी पढ़ने बैठे आपने खाना खाया आपने दिन में घंटे पर रेस्ट किया अब कोशिश करेंगे तीन बजे से लेकर सबसे पहले तो वो पढ़ लिया जाए जो आज पढ़ा है इसमें तो कोई कमी नहीं है आज पढ़ा है वो तो एग्जैक्टली याद और आपको लगा यार आज जो पढ़ाया था वो याद करने में मेरे को चार घंटे लग गए तीन बज के तीन बजे बैठा था और सात बजे तक मैंने लगातार पढ़ा अब सात से नौ दो घंटे और पढ़े दो घंटे के अंदर पुराने वाला को रिवीजन कर लो कि आज जो पढ़ा पढ़ाया वो पढ़ लिया चलो कल वाला भी पढ़ लेते हैं परसों वाला भी पढ़ लेते हैं रिवीजन में टाइम थोड़ा कम लगेगा क्योंकि हमने वो चीज कल याद की थी थोड़ा वो याद कर लिया जाए नौ बजे के बाद में इस सिस्टम को तो बंद किया जाए पूरी तरीके से आप खाना वाना खाते हैं अपना खाना वाना खाइए उसके बाद आप अखबार पढ़िए आप वो करंट की कोई दूसरी चीज पढ़नी है वो पढ़िए आप आपको सोशल मीडिया देखना है वो देखिए आप ग्यारह बजे तक सोई जाते होंगे तब सात बजे उठ पाएंगे इतना टाइम होगा